नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक चौरसिया और आप लोग देख रहे हैं डीपी के यूट्यूब और यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस का जो आरडी फॉर्म होता है, जो आरडीओ अकाउंट ओपन करवाते हैं, वो फिल कैसे किया जाता है। कुछ इस तरीके का फॉर्म मिलता है आप लोगों को फिल करने के लिए, और यहाँ पर सबसे पहले लिखा होता है फॉर एप्लीकेंट्स, मतलब किस कौन सा अकाउंट खुलवाना, सेविंग अकाउंट खुलवाना है या आरडी अकाउंट खुलवाना है, वो यहाँ पर आप यहाँ पर डाल दीजिए। सेविंग अकाउंट खुलवाना है हमें, तो मैंने यहाँ पर सेविंग अकाउंट लिख दिया है। दूसरी बात, बहुत आसान होता है, आप लोग देख लीजिए, बस दो मिनट में समझ में आ जाएगा आप लोगों को। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जैसे अर्पित है, पहले यहाँ पे अर्पित, फिर यहाँ पे मिडिल नेम, लास्ट नेम। आप अपना पूरा नाम डाल दीजिए यहाँ पे पहले वाले कॉलम में। उसके बाद आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल, वो यहाँ पर आप मेल डाल दीजिए। दूसरी बात, नीचे लिखा होता है ये फुल नेम ऑफ फादर हस्बैंड मदर, आप पापा का नाम डाल दीजिए यहाँ पे, आप हस्बैंड का डाल सकते हैं, मम्मी का, किसी का भी डाल सकते हैं। तो मैंने अपने पापा का नाम डाल दिया यहाँ पे, अपने पापा का नाम डाल दीजिए बस यहाँ पे। उसके बाद नीचे बढ़ेंगे, आपका एड्रेस मांग रहा है, जो आपका एड्रेस आधार कार्ड में है पूरा एड्रेस वैसे ही आप छाप दीजिए। आपका मकान नंबर क्या है, लोकेलिटी क्या है, गाँव क्या है, पोस्ट ऑफिस आपका क्या लगता है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, सिटी क्या है, स्टेट क्या है, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है तो डाल दीजिए। मैंने फिल कर रखा, मतलब यहाँ पे लिखा है आपको जो आपके आधार कार्ड में सेम वही आपको यहाँ पे लिख देना है, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने वैसे ही लिख दिया है। उसके बाद नीचे बढ़ते हैं आपका जो है वो डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो आप यहाँ पे डाल दीजिए, ये जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर डाल दीजिए। आपका पैन नंबर है जो, वो यहाँ पर आप डाल दीजिए, जो पैन नंबर होता नहीं वो यहाँ पर आप भर दीजिए। उसके बाद छोड़ दीजिए इसको, नीचे आइए आप सिंगल, यहाँ पे सिंगल पे क्लिक कीजिए, मतलब किसी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन पे, मतलब जॉइंटली ओपन करना तो ये नहीं, अगर आपको सिंगल, मतलब हर महीने आपको सिंगल डालने हैं तो यहाँ पे सिंगल वाले कॉलम पे क्लिक कर दीजिए ऐसे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा है टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं। हमारे पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आई डी है, यहाँ पर फिर सेकेंड प्रूफ मांगता है, तो यहाँ पे फिर आधार कार्ड डाल दीजिए। नीचे लिखा है डॉक्यूमेंट नंबर, आधार कार्ड का नंबर, पैन कार्ड का नंबर, वोटर आईडी, यहाँ पे उसके नंबर भर दीजिए। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे लिखा है यहाँ पे, मतलब हर महीने अभी आप कितना जमा कर रहे हैं, तो मैंने 1000 रुपये जमा करने हैं, तो यहाँ पे अंकों में लिख देना है, यहाँ पे फिर शब्दों में लिख देना है, मैंने ऐसे लिख दिया है। कैसे दे रहे हो, तो मैंने कैश दिया है, कैश लिख दिया है। उसके बाद नीचे आता है ऑप्शन नॉमिनी इसका, मतलब इसको अगर आप, मतलब खुदा ना खास्ता आप ख़त्म हो जाते हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उस वक्त आप वो पैसा किसे देना चाहेंगे, तो वहाँ पे नाम डाल दीजिए। पापा का डालना है तो पापा का नाम, मम्मी का डालना है तो मम्मी का नाम। उसके बाद उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो डाल दीजिए, आपको मतलब पापा लगते हैं तो पापा, फादर, मम्मी लगते हैं तो मदर, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। वो विटनेस के सिग्नेचर, वो कुछ नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, वो सब वो लोग समझ लेते हैं। उसके बाद सेकेंड पेज आता है ओपन, ये भी बहुत आसान है ओपन करना। यहाँ पे पहले हम आधार कार्ड फिल कर चुके हैं, और उसका आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल देना है, ये सब छोड़ देना, कोई ज़रूरी नहीं होता ये सब फिल करना, आप इसको इम्पोर्ट छोड़ सकते हैं। उसके बाद नीचे ऑप्शन आता है ये फिगर, मतलब हर महीने आपको कितने की आरडी जमा करनी है, हर महीने आप कितना जमा करोगे, तो मुझे 1000 रुपये हर महीने जमा करने हैं, तो 1000 रुपये यहाँ पर लिख दिए, इधर शब्दों में 1000 रुपये लिख दीजिए, बस ऐसे आप पूरा छोड़ सकते हैं। नीचे आएंगे, यहाँ पे आप आज की डेट डाल दीजिए, जब आप ये फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं उस दिन की डेट, आपका यहाँ पे पूरा नाम, जो आप मतलब आपका ना जिस नाम से ये खुल रहा है उसका पूरा नाम डाल दीजिए बड़े बड़े शब्दों में, बस बाकी ये सब फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, आप ऐसे दे दीजिए उनको, वो समझ जाते हैं। उसके बाद उनको जो फ़ोटो वोटो लगानी होती है, वो खुद आप लोगों को यहाँ बता देंगे कहाँ कहाँ फ़ोटो लगनी, कहाँ कहाँ सिग्नेचर होने। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।